Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, grade 3 students. Okay, now open your Oxford Modern English book 3 at page number 98. In today's lesson, we will understand the meaning of the difficult words and then we will underline the words throughout our reading and search for their meanings. Now, let's start our lesson. Chapter 11, at grandfather's house. Words to know, that means the words we should know the meaning of. Bundle, a collection of things tied or wrapped up together. किसी चीज़ की गठरी बनाना, आपस में उनको मिला के उनको बांध देना, okay? Explore, move through an unknown area in order to learn about it. Explore मतलब किसी चीज़ को जांचने परखने की कोशिश करना, ठीक है, उसके बारे में जानने की कोशिश करना. Fetched, brought, got, किस चीज को लाना, ओके. हीप, पाइल, यूजुअली अनटाइडी. पाइल का मतलब होता है किसी चीज को दूसरे के ऊपर रखते जाना, छोटी सी, हम जैसे फॉर एग्जांपल हम कपड़ों की एक दूसरे के ऊपर डालते जाएं तो उनकी एक छोटी सी पहाड़ी बन जाती है ना, उसे कहते हैं हीप. रियलाइज्ड, बिकेम अवेयर ऑफ समथिंग, किसी चीज के बारे में मालूम होना. टाइडली, नीटली, ऑर्डरली, कोई चीज तरीके से, साफ सुथरे तरीके से रखी हुई हो. Okay, let's start a lesson. Heidi has just been left at her grandfather's house for the first time. She is 5 years old. अब हमें इस story में जो character है, main character, वो है Heidi, और वो 5 year old girl है, जो हमें इन्होंने story के मुताबिक वो अपने grandfather के house में उसे छोड़ा गया है अभी, और वो पहली बार अपने grandfather के घर गई है. So let's see वो पहली बार जाके क्या करती है. As soon as the woman left, grandfather sat down on the bench outside his house. Heidi saw that he was busy and decided to explore. जब हाइडी को उसके ग्रैंडफादर के घर में खातून उनको छोड़ के चली गई, तो वो बाहर, ग्रैंडफादर जो थे वो बाहर बेंच के ऊपर, बेंच बैठने की जगह, चाहे वो लकड़ी की हो, लकड़ी की ज़्यादातर होती हैं वो बैठने के लिए बनी हुई होती हैं, वो उसके ऊपर घर के बाहर बैठे हुए थे. हाइडी ने उनको देखा और उन्हें लगा कि ये बिजी हैं, तो उन्होंने सोचा मैं खुद ही जो है ना, उसने खुद ही डिसाइड किया, यानी कि फैसला किया कि मैं घर को एक्सप्लोर करती हूँ. एक्सप्लोर का मीनिंग मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ. शी वॉक्ड अराउंड द साइड ऑफ द वुडन बिल्डिंग. शी नोटिस्ड एन एम्प्टी गोट हाउस एंड सम टॉल ट्रीज. द विंड मेड अ रशिंग एंड रोरिंग साउंड एज इट ब्लू थ्रू देयर टॉल ब्रांचेस. Heidi walked round and found herself back next to the grandfather. She stood in front of him and waited. अब जब वो घर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगी, तो उन्हें उसे एक वुडन बिल्डिंग, यानी कि लकड़ी का एक घर दिखाई दिया. उसने नोटिस किया, उसने इस बात पे गौर किया कि एक एम्प्टी गोट हाउस है, यहाँ पे बकरियाँ वगैरह रखते हैं वो है, और कुछ लंबी लंबी बड़ी बड़ी ट्रीज हैं. विंड मेड अ रशिंग साउंड, हवा जो है वो तेज हवाओं की तेज चलने की आवाज़ आ रही थी, और क्योंकि जो थी हवा वो दरख्तों के दरमियान में से गुजर रही, तो जाहिर सी बात है वो थोड़ी सी तेज आवाज़ महसूस होती है. हाइडी ने जब पूरा राउंड लगा लिया, तो उसने जब देखा तो वापस ग्रैंडफादर के सामने आके खड़ी हो गई थी, क्योंकि वो पूरे घर का राउंड ले रही थी, तो एक तरफ से उसने शुरू किया, जब दूसरी तरफ वापस आके रुकी तो देखा वो वहीं पे आ गई जहाँ पे पहले वो ग्रैंडफादर के पास थी. अब वो ग्रैंडफादर के सामने खड़ी होगी और इंतज़ार करने लगी. ग्रैंडफादर नोटिस द गर्ल एंड आस्क्ड, जब दादा जान ने देखा कि ये बच्ची मेरे सामने खड़ी है, तो उन्होंने पूछा व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए. हाइडीज आइज वर ब्राइट विद एक्साइटमेंट, हाइडीज की आंखों में ना खुशी और क्या कह रहे हैं, एक्साइटमेंट मतलब किसी चीज़ को पसंद, जब हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, तो वो एक्साइटमेंट में उसकी आंखों में वो साफ वो खुशी नज़र आ रही थी. आई वॉन्ट टू सी वॉट इज़ इन साइड द हाउस, शी सेड, उसने क्या कहा, आई वॉन्ट टू सी वॉट इज़ इन साइड द हाउस, घर के अंदर क्या है. वो उसने कहा कि मैं, जब उसके दादा ने पूछा आप व्हाट डू यू वॉन्ट, आपको क्या चाहिए, तो उसने कहा कि मैं देखना चाहती हूँ घर के अंदर क्या है. ओके, नाउ पेज नंबर 99. She looks like a clever girl, thought grandfather. He stood up. Come then and bring your bundle of clothes, he said.
वी मस्ट पुट देम इन द कबट। दादा जान ने सोचा बच्ची थोड़ी समझदार है, होशियार है, उन्होंने कहा ओके। वो खड़े हो गए और कहा आओ चलो, और अपना जो कपड़ों की गठरी है, बंडल ऑफ क्लोथ मीन्स कपड़ों की गठरी, वो लेके अंदर आ जाओ, हमने इसको अंदर कबर्ड में यानी कि अलमारी में रखना है। इनसाइड द हाउस हाइडी लुक्ड अराउंड द ग्राउंड फ्लोर वॉज वन बिग रूम। ग्रैंडफादर्स बेड वॉज इन वन कॉर्नर। अ लार्ज फायर प्लेस वॉज इन द मिडल ऑफ द बैक वॉल ऑफ द हाउस। नेक्स्ट टू इट देर वॉज अ लार्ज कबर्ड विद सम शेल्फ्स। इनसाइड द कबर्ड देर वर क्लोथ्स on one of the shelves. Heidi pushed her bundle to the back of the shelf out of the way. On another shelf there were some plates, bowls, cups and spoons and a knife. Below them there were a loaf of bread, some meat and some cheese. अब जब हाइडी घर के अंदर गई तो हमें घर का थोड़ा सा बता दी किस तरह से घर था। ग्राउंड फ्लोर जो था वो एक बड़े रूम की तरह था जिसके एक कॉर्नर में दादा जान का बेड लगा हुआ था। एक तरफ लार्ज फायरप्लेस थी, मिडिल में घर के मिडिल वॉल की दीवार के दरमियान में फायरप्लेस थी। फायरप्लेस जहां सर्दियों में लकड़ियां जला के कमरे को गर्म रखा जाता है उसे फायरप्लेस कहते हैं, वो थी। दीवार के जो एक तरफ की जो दीवार थी उसके मिडिल में फायरप्लेस बना हुआ था, और उसके साथ नेक्स्ट टू इट वॉज अ लार्ज कबर्ड, एक अलमारी थी जिसके शेल्फ्स थे यानी के खाने बने हुए थे। इनसाइड द कबर्ड जब वो कबर्ड गई तो देयर वर क्लोथ्स और इन वन ऑफ द शेल्फ्स। तो उसने जब शेल्फ अपनी कबर्ड खोली तो देयर वर क्लोथ्स, तो उसने क्लोथ्स शेल्फ के अंदर अपने क्लोथ्स रख दिए, और उसने देखा कि दूसरी शेल्फ के ऊपर कुछ प्लेट्स, कुछ बाउल्स यानी के जो राउंड होते हैं जिनको हम उर्दू में कटोरी कहते हैं वो थी, कप्स थे, स्पूंस थी और नाइफ थी। ये उनकी शेल्फ के ऊपर, दादा जान की शेल्फ के ऊपर रखी हुई चीज़ें थी। उसके नीचे जो थी लोफ ऑफ ब्रेड यानी के ब्रेड का पीस था, ब्रेड के पीस को लोफ कहते हैं, ठीक है। सम मीट कुछ गोश्त था एंड सम चीज़ कुछ चीज़ पड़ी हुई थी यानी के पनीर वगैरह। हाइडी लुक्ड केयरफुली अराउंड द रूम एंड आस्क्ड वेयर विल आई स्लीप ग्रैंडफादर। वेयर एवर यू लाइक ही आंसर्ड। जब हाइडी ने पूरे घर को एक नज़र देखा और उसने जायजा लिया कि बेड तो एक ही है, तो उसने अपने दादा जान से पूछा मैं कहाँ सोऊंगी, तो दादा जान ने कहा कहीं भी जहाँ आप चाहो। हाइडी वॉज डिलाइटेड एंड बिगैन लुकिंग टू फाइंड द बेस्ट प्लेस टू स्लीप। इन द कॉर्नर नियर ग्रैंड फादर्स बेड शी सो अ शॉर्ट लैडर अगेंस्ट द वॉल। शी क्लाइम्ड अप एंड फाउंड हरसेल्फ इन द हे लॉफ्ट। There lay a large heap of fresh, sweet-smelling hay. In the wall was a round window. Heidi looked out of it. She could see right down the valley. जब Heidi ने अपने दादा जान से पूछा कि मैं कहाँ सोऊंगी, तो दादा जान ने कहा जहाँ आप चाहें, तो वो बहुत खुश होगी। Delighted means to be very happy, to be pleased, खुश हो जाना। आपको अपने मनपसंद काम करने को जब मिल जाए तो आप खुश हो जाते हैं ना, उसे कहते हैं delighted होना। अब उसने देखना शुरू कर दिया कि सोने के लिए बेहतरीन जगह कहाँ होगी, तो उसने देखा कि एक कॉर्नर में जहाँ दादा जान का बिस्तर लगा हुआ है वहाँ पे एक छोट लैडर मीन्स सीढ़ी, दीवार के साथ जो है सीढ़ी लगी हुई है। शी क्लाइम्ड अप, वो सीढ़ी के ऊपर चढ़ी और फाउंड हर सेल्फ इन द हे लॉफ्ट। हे लॉफ्ट का मतलब होता है चारा रखने का जो गोदाम होता है ना, उसे हे लॉफ्ट कहते हैं। देर ले अ लार्ज हीप ऑफ फ्रेश स्वीट स्मेलिंग हे, क्योंकि वो चारा अभी ताज़ा ताज़ा कट के रखा हुआ था तो उसकी उसको जो खुशबू थी वो फ्रेश और मीठी मीठी सी लगी। उसने जल्दी से वहाँ गई और वहाँ पे उसने देखा कि एक विंडो भी है, राउंड विंडो है। हाइडी ने उसके बाहर देखा, शी कुड सी राइट डाउन द वैली। वैली का मतलब होता है दो ऊंची जगहों के दरमियान की जगह, ठीक है। तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि ये क्योंकि दादाजान का घर थोड़ा बाहर था शहर से, तो वो थोड़ा सा शायद ऊंचाई पे होगा। तो जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसे नीचे की तरफ वैली जो थी वो नज़र आ रही थी। आई शुड स्लीप अप हियर ग्रैंडफादर। तो हाइडी ने इतना अच्छा मंजर देखा तो उसने डिसाइड कर लिया कि मैं यहाँ पर सोऊंगी। शी कॉल्ड डाउन टू हिम, इट्स लवली अप हियर,
कम अप एंड सी हाउ लवली इट इज़। जब उसने देखा ये तो बहुत मज़े की जगह है, यहाँ से मैं बाहर भी देख सकती हूँ, तो उसने डिसाइड कर लिया, उसने फाइनल ये इरादा कर लिया कि वो यहाँ पे सोएगी। और उसने दादा जान से भी कहा कि मैं यहाँ पे सोऊंगी और यहाँ पे ये बहुत खूबसूरत है, आप भी आके देखें ये कितनी खूबसूरत जगह है। ओह आई नो ऑल अबाउट इट, ही आंसर। दादा जान तो वहाँ रहते थे, उन्हें तो पता था ये जगह कितनी खूबसूरत है, तो उन्होंने कहा मुझे पता है इसके बारे में। आई एम गेटिंग द बेड रेडी नाउ, शी कॉल डाउन अगेन, बट आई विल नीड अ शीट, यू कॉन्ट हैव अ बेड विदाउट अ शीट, सो यू हैव टू हैव वन टू लाई अपॉन। अब उसने कहा कि मैं अपने बिस्तर तैयार करने लगी हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए एक शीट चाहिए, यानी कि एक चादर चाहिए, क्योंकि चादर के बिना तो आपका बेड मुकम्मल नहीं है ना, क्योंकि मुझे चादर चाहिए मुझे उसके ऊपर लेटने के लिए। All right, said grandfather. He went to the cupboard. After searching for a few minutes, he pulled out a thick, heavy old cloth. It was bit rough, but it was all he had that could be used as a sheet. He carried it up to the loft. अब दादाजान ने कहा ठीक है, आपको एक चादर चाहिए, तो वो अपनी अलमारी में गए, उन्होंने कुछ देर के लिए ढूंढा, तो बाद में उन्हें एक मोटा वजनी और पुराना सा कपड़ा मिला। वो थोड़ा ख़राब था, लेकिन यही था उनके पास देने के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल उनके पास इतना सामान, हमें इस पैराग्राफ से पता चलता है कि उनके कबर्ड में इतना सामान नहीं रखा हुआ था, तो उन्होंने कहा एटलीस्ट शीट के तौर पे यही यूज़ हो सकता है, तो वो लेके ऊपर गोदाम में चले गए। ओके स्टूडेंट्स, आपका टास्क ये है कि आपने दोनों पेजेस की रीडिंग अच्छे से करनी है, जिन वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किए आपने उनको अंडरलाइन करना है, और अपनी नोटबुक में उसके मीनिंग लिखने, मैंने आपको साथ साथ इसके मीनिंग उर्दू में भी बताए हैं ताकि आपको समझने में आसानी है। ओके और यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाइल रीडिंग डू यू थिंक हार्डी लाइक्ड हर ग्रैंडफादर्स हाउस, विच सेंटेंस टेल अस सो। अब यहाँ तक आपने जो स्टोरी पढ़ी इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हार्डी को अपने ग्रैंडफादर का घर पसंद आया है कि नहीं आया। अगर तो आया है तो कौन सा सेंटेंस हमें बताता है कि उसको अपने दादा जान का घर पसंद आया। आपने उस सेंटेंस को मार्क करना है अपनी बुक में। ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।